हेलो फ्रेंड्स, आपका इना किचन रेसिपी में स्वागत है। आज मैंने प्याज बोंडा बनाया है। देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। मॉनसून के सीजन में तो इसे चाय के साथ शाम के नाश्ते में मज़ा ही आ जाता है इसे खा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बनाना इस रेसिपी को। देखिए प्याज को मैंने कुछ काट लिए हैं इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसों में। और देखिए अब हम दो प्याज को दिखा रहे हैं आपको कैसे काटना है। तो सबसे पहले हम प्याज की जो जड़ होती है ना, वो जड़ को हम चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। सावधानी से हम निकालेंगे, हाथ में ना लगे। अब इसे हम पतले पतले स्लाइसों में काट लेंगे। इससे फ़ायदा होता है कि हम जितने भी स्लाइस हैं ना हमारी प्याज की, वो अलग अलग निकल जाती है और प्याज कड़वी भी नहीं होती है। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन होता है ना उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा ये कि जो भी रेसिपी मैं डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ये देखिए इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसों में हमें काट लेना है। ये देखिए फिर इसे जड़ को हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और जड़ को निकालने के बाद हम इसे अब पतले पतले स्लाइसों में काटते हैं। और जो प्याज मैंने कटिंग कर लिए हैं उसे हम बाउल में डाल देंगे अब इस तरह से। और दो प्याज जो बचे हुए हैं उसे भी हम काट लेते हैं। अब हरी मिर्च को हम काट लेंगे। इसे भी हमें फाइन चॉप करना है, एकदम मही मही काट लेंगे हम इसे एकदम फाइन। और इसे हम प्याज के ऊपर डाल देंगे। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसमें हम कुछ करी पत्ता डालेंगे। इसे आप काट के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर सॉरी। एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक कप बेसन डालेंगे हम। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि प्याज में सारे बेसन और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दो चम्मच गर्म सरसों के तेल को हम डालेंगे। और अच्छी तरह से तेल को हम मिक्स कर लेंगे बेसन में। इससे पकौड़े बहुत क्रंची बनते हैं डालने से। अब पानी से हम बेसन को सान लेंगे, मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है। अब हम इसे बोंडा का आकार देंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे लड्डू बनती है ना उसी तरह। ये देखिए इस तरह से। और सरसों का तेल गर्म है, अब हम फ्राई कर देंगे इसे।
इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। देखिए अब लाल हो गई है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम क्रंची बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। इसी तरह हम सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। शाम के समय बारिश हो रही हो और चाय बना लीजिए, और साथ में एक कांदा बोंडा के ट्राई करिए, इतना अच्छा लगेगा ना बालकोनी में बैठ के, और कि पूछिए नहीं।